नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों की फौरन गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। मामले की पहले डीएसपी रैंक का कोई अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। साथ ही इस मामले में अब गिरफ्तारी से पहले आरोपी को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में पहले अग्रिम जमानत की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें, इस एक्ट में एससी एसटी वर्ग के लोगों की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दोषी को कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के वस्त्र रहित करना, किसी सदस्य को घर गांव छोड़ने पर बाध्य करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उनके विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना या उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और उनकी जमीनें बंधक रख लेना जैसे अपराध शामिल हैं। फिलहाल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि एससी एसटी वर्ग की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत माने जाने वाले एक्ट में अब उतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी जितनी कि पहले होती थी। अब पहले पूरी जाँच पड़ताल होगी, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ हो रही भेदभाव की घटनाओं के बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप सब वाकिफ होंगे। मामला सिर्फ एक एससी एसटी एक्ट का नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा में आरक्षण खत्म करने की बात कह चुका है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया लागू भी होने लगी है। कई राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को बड़ा झटका देते हुए नौकरी में प्रमोशन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने की ज़रूरत महसूस की। एससी एसटी एसोसिएशनों ने दलील दी कि क्रीमी लेयर को बाहर रखने का नियम एससी एसटी पर लागू नहीं होता और सरकारी नौकरी में प्रमोशन दिया जाना चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक ज़रूरत है। हालांकि इस केस में अभी अंतरिम फैसला आना बाकी है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक पिछले कई दिनों से उच्च शिक्षा पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक यूजीसी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही एमफिल और पीएचडी कर रहे छात्रों को मिलने वाले लाभ को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब छात्रों के लिए शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।